एंट्री करते हैं सरकार इसका अकाउंट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो पैसा पेड है और मैंने पिछली लेक्चर में बताया था कि अगर प्रीमियम का अमाउंट पेड है तो उस कंडीशन में प्रीमियम अगर पेड है तो उस कंडीशन में हम लोग प्रीमियम को इग्नोर करते हैं, हम प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए अगर कैप्चर लिखा हुआ कालसिन अध्यय कालसिन अध्यय की बात करनी है क्योंकि इसको तो इग्नोर करना है मुझे क्योंकि वो पेड है। 80 रुपये में से 20 रुपये नहीं दिया, यानी 500 में से 20 रुपये नहीं दे पाया। तो बताइएगा 80 रुपीज है उसमें से 20 रुपये नॉट पेड है तो 60 रुपये पेड हो गए। ऐसी बात है तो 60 रुपये कॉस्टिंग कर देंगे जो पेड होगा, ये हो जाएगा आपका 30,000, ये हो जाएगा 10,000, हो गया 40,000 का। अब कह रहे हैं जो शेयर हमने परचेज करा है उसमें से 100 शेयर को हम लोग रिलीज करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास पैसा आता है, बहुत ही पास बजट होगा, ये काम नहीं हो रहा है तो शेयर करते हैं क्योंकि हमको अपना शेयर फिक्स ऑर्डर से दिख रहा है तो नुकसान नहीं हो रहा है। शेयर का रिटर्न हालांकि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ जा रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम का मुझे बताएगा 100 शेयर × 10 का प्रीमियम ये हो जाएगा आपका 1,000, 100 शेयर × 100 ये हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा 11,000। अब बात है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट करके दिखाऊंगा। इसका एक बात बताइए जीरो पैसा जो है 1,000 रुपये ये गया है आपका 500 शेयर का। मुझे बताइए 100 शेयर के लिए कितना पैसा जाना चाहिए, 1,000 डिवाइडेड बाई 500, 1,200 × 500 = 6,000 आ जाएगा, यानी 6,000 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। कोई नुकसान है नहीं यहाँ से, पूरा 6,000 ट्रांसफर कर देंगे, पेमेंट करेंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट बदले टू कैपिटल रिजर्व ना 6,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। फिर आगे हम लोग सेकेंड वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो कहता है वाई लिमिटेड कॉर्पोरेट, वाई लिमिटेड कॉर्पोरेट 1700 700 शेयर सेकेंड पार्ट की मैं बात करूँ 700 शेयर उसके पास है, 1 शेयर की वैल्यू 100 है जिसमें 5 रुपये का प्रीमियम एडेड है और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30%। अच्छा यानी नॉट पेड क्या हो गया, अलॉटमेंट नहीं दिया कितने का 35 का। और क्वेश्चन कहता है इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20%, और फर्स्ट कॉल का नहीं देता है सेकेंड फाइनल पर 20 नॉट एट दिन का जिसमें से सेकेंड कॉल मांगा ही नहीं गया, नॉट कॉल मांगा ही नहीं गया। तीन बार बताइएगा 100 में से 20 कोई मांगा गया तो 80 मांगा गया, प्लस 5 प्रीमियम कंसिडर करेंगे 85 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम और दे नहीं पा रहा है तो प्रीमियम का पैसा नहीं पेड है तो हम कंसीडर करेंगे इसको। ये 85 रुपीज़ हो गया, अब इसको दो भाग में बांटना होगा। इसे 85 रुपीज़ में बताएगा नॉट पेड वाला हमारा हो जाएगा अलॉटमेंट का 35 रुपये और फर्स्ट कॉल का बता रहा है 20 रुपये नहीं दे पा रहा है तो 35 और 20 55 नॉट पेड है तो बताएगा पेड कितना कर दिया होगा 55 रुपये, 30 रुपये पेड कर दिया होगा क्योंकि 85 में से माइनस कर देंगे। तो आप देखेंगे मैं जनरल एंट्री करने जा रहा हूँ शेयर का प्रीमियम अकाउंट दे दें, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा आप पता नहीं होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर नहीं पेड किया है तो साल की मरियम अकाउंट। तो मेरी बात सुनिए का कितना हो गया 700 शेयर है 30 रुपये पेड कर दिया है,
इस समय जो 700 शेयर है 55 रुपये नहीं दिया, नॉट पेड हो गया। 700 शेयर है और प्रीमियम का पैसा 5 का है, 700 शेयर। अभी हम निकाल लेंगे 700 इंटू 30 दिया जाएगा आपका 21,000। 700 इंटू 65 या तो 35,000 शेयर को इसमें से रीच कर हमने 80 पेड अप और 92 कर दिया। 80 रुपए के शेयर को 92 रुपए में बेच रहे हैं, 92 रुपए के शेयर का तो सर 60 रुपए प्रीमियम आ रहा है, 60 रुपए प्रीमियम बढ़ेगा। 500 शेयर इनटू 12 रुपए का प्रीमियम है, क्योंकि 80 का शेयर 92 में बेच रहे हैं, 12 रुपए का प्रीमियम है। 500 इनटू 80 ये हो जाएगा 80 × 500 या हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा आपका 6,000। पैसा अगर 46,000 मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा मैं वर्किंग नोट करता हूँ। ये जो 41,000 का फायदा है आपका, वो 700 शेयर पे है तो 500 शेयर पे कितना होगा? जब आप इसके एक्स की वैल्यू निकालेंगे 7×35 ये हो जाएगा आपका 5×6। तो 21,000 × 500 डिवाइडेड बाई 700 दिया जाएगा आपका 15,000। पैसा नहीं आ रही 15,000, 15,000 में से कुछ नुकसान नहीं है तो पूरा पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं और फ्यूचर अकाउंट डेबिट से कैपिटल रिजर्व हम ले कर सकते हैं। कितना 15,000 ये आपका प्रीमियम खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप आगे 44, 43, 42 जो भी आप कर लेंगे, विक्रम इनको क्वेश्चन होता था 44, 745 जैसा है, आप 42 करेंगे 2 होगा क्या?